व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान का रोस्ट होने वाला है उनके बिजली बिल से रिलेटेड। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी जज्बा, $300 इलेक्ट्रिसिटी बिल ने ली जान, फिजा खान कराई पाकिस्तान रोस्ट। ओ भैया बहुत बुरा हाल हो रहा है वहां बिजली का, वहां पर तो ये भी कह दिया बिजली मीटर मीटर हटा दो और मीटर मीटर कोई आए ना तो उसे मार दो, मीटर तोड़ रहे लोग वहां पर। तो देखते हैं मिस्टर इंडियन बेकर भाई की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। कहां से शुरू करें नाजरीन, ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। खुल गई पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, आवाम को दो वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये स्टोरी है, गजब स्टोरी है, मैं जरा विस्तार में इसको जलील करता हूँ। सर इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आराम से करेंगे, तसल्ली से जी, आराम से। पहले स्टोरी तो बता दीजिए। बीच बजरिया फट गया ढोल, ये स्टोरी है। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो ठीक ही है, बस खुल के जो आप पहले कह रहे थे ना विस्तार से, हाँ वैसे बताइए। पाकिस्तान में गरीबी का ये आलम है कि लोग बिजली के बिल के चक्कर में खुदकुशी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई कह रहा है राष्ट्रपति पाकिस्तान का मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। कमाल का बंदा है जी, ये कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, इसके लिए सब फ्री है राष्ट्रपति भवन, इसकी बिजली फ्री, इसकी गाड़ी फ्री, इसका खाना फ्री, सब कुछ फ्री। जमहूरियत में हमेशा मरी जा रही है बस, जमहूर को नजरअंदाज किया गया है, हमेशा कौम को सख्त बात दिखाए जाते हैं, वादे किए गए, दावे किए गए, दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं, लेकिन आवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया और टैक्सेस के पहाड़, अशराफिया का बोझ भी गरीब पर डाला जाता है। और तो भाई लोगों, ये चल रहा है पाकिस्तान में, उसके बीचों बीच इतने कलेश के बीच में आरिफ अलवी कह रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है, फिर इलेक्शन होंगे, फिर वादे होंगे, फिर बड़े बड़े दावे होंगे और फिर यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तू तो रोज कहती है ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, आवाम को दो वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मैं जरा विस्तार में इसको जलील करता हूँ। जी सर, जी सर, निकाल दो रड़क इनकी, एंड में इंटरव्यू है मेरा, एक दो लोग और भी हैं इसके साथ। मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं मौलवी, मस्जिदों से कि किसी को बिल देने की आवश्यकता नहीं है, लोग अपने मीटर तोड़ रहे हैं, हथौड़े लेके अपने मीटर तोड़ दिए कि ना रहेगा मीटर, ना रहेगी रीडिंग, और ना रहेगी रीडिंग, ना रहेगा बिल। इतना दिमाग ये आखिर लाते कहां से? गाइस शेयर कर देना, ये खाते क्या है भाई? उनके अधिकारियों को सड़क पे पीट रहे हैं लोग, उनके ऑफिसों में हमला कर रहे हैं लोग, खुदकुशियां कर रहे हैं, फांसी, जहर, छत से कूदना, ये सब पाकिस्तान में रोज के रोज हो रहा है, लोग दर्जनों के हिसाब से अपनी जानें दे रहे हैं बिजली के बिल की वजह से। जी जी, मैंने तो ये भी सुना था कि जब वो मीटर काटने आते हैं ना, तार काटने आते हैं, तो ये खंबे पे चढ़ तो जाने देते हैं, उसे उतरने नहीं देते। नीचे खड़े हो जाते हैं, एक हाथ में पौवा लेकर और एक हाथ में कापा। हाँ, और आवाम ज्यादा इस बात से परेशान नहीं है कि उनके पास सिलेंडर नहीं है, इस बात से परेशान है कि हमें क्यों सस्ता मिल रहा है, उनको क्यों सस्ता दिया जा रहा है। क्या वजह? वो दूसरे मुल्कों से लेके इम्पोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके, वो सारा कुछ अपने अवाम को सहूलतें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ फेर हैं। ठीक हो गया, इधर से आँख खुलती है, इधर पता चलता 3 रुपए बढ़ गए हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था, 21,000 टोटल, 21,000 गैस और बिजली का बिल पा के। देखिए कितना डिफरेंस है, एक बंदा, एक आम आदमी लोन लेकर बिल चुका रहा है ताकि जान न देनी पड़े, और सरकार लोन लेकर झंडा टांग रही है। जब हम वो देखते हैं ना, तो हमारे दिल खून के आंसू होता है कि हमने ये मुल्क, हमारे बड़ों ने जो है ना कितनी कुर्बानियों से, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले जब बेइज्जती, बाप दादा हिजरत करके, हिजरत इंडिया से हिजरत करके ये मुल्क हम, तो आज आप क्या सोचते हैं कि जो हिजरत करके आए वो फायदा हुआ उससे? मैं कह रहा हूँ फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान कर दिया। आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप सिलेंडर बनाते भी हो? हम यही सोच रहे हैं कि वो इंडिया, जो इंडिया है ना, वो सच में चांद पे गया, हम अंधेरा करके जाएंगे। गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर, सबसे अच्छा चावल होता है दुनिया का, अच्छा चावल होता है। हम क्या करते हैं, इंडिया को सस्ते दामों बेचते हैं। अच्छा। इंडिया मेड इन इंडिया का स्टैंप लगाता है, आपका ही चावल दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लो कर लो बात। हम क्या करते हैं, इंडिया को सस्ते दामों बेचते हैं। अभी उन्होंने 200 यूनिट एक आम आदमी को फ्री कर दिया। ऐसे यार, मैं भी खबर सुन रहा था कई इलाकों में 300 यूनिट फ्री है। 600 पंजाब में, 600 एक यूनिट आएगी तो आपको बिल देना होगा, और 599 आएगी तो कोई बिल नहीं। तो निकल गया कॉमेंट का टॉपिक,
अब ये देखो, अब ये नमूना देखो, इसके पास कितना गजब का सलूशन है। शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। इंडिया को भी फतह करेंगे आप? गरीबी की जंग इसी तरह ही खत्म होनी है जब हम दूसरे मुल्कों पे फतह करेंगे। सिकंदर जो बादशाह था ना, उसने जहाँ जहाँ गया है ना, वो अपना मुल्क की फतह करता है। एक ये पाकिस्तानी सिकंदर है, जहाँ भी जाते हैं चार्ली चैपलिन को फेल कर देते हैं। That is perfectly okay, ladies and gentlemen, I'm not here. विदेशों में सड़क पर होते हैं तो लोग एक बार किसी सुंदर कन्या को देखना छोड़ देते हैं, इनको जरूर देखते हैं। तो छाता ले गए थे ना यहाँ पर। गजब भैया गजब। बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना, हमारे हुकूमत की। आपके पास वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। वेरी गुड। यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। तो एक काम करो, जज्बा लो, जज्बे में पानी डालो, गूंद लो उसको, जैसे आटा गूंदते हैं, जज्बे की रोटी बना के खा जाना, ठीक है? जी, हमारी फौज जो है नंबर वन है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं, 71 तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया? भी इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। भाई सिलेंडर नहीं होता वो, सिलेंडर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, छाती में दर्द, ऐसे नमूने भगवान क्यों बनाता है पता नहीं। डॉलर आज एक नई मैडम के साथ इंटरव्यू है जी। डॉलर आज एक नई बुलंद सतह पर आ गया है और वजह सारी सामने है। बड़ी इनकी तारीफ हसन मुर्तजा साहब। ठीक है ठीक है। सिंपल सी की जो डॉलर की मांग जो सप्लाई से ज्यादा है, रुपए पर एतमाद कम हो रहा है। डॉलर हम देख रहे हैं कि आने के अगर देखा जाए दो जराए होते हैं, दोनों में से या तो बरामदा या फिर बिरौने मुल्क जो पाकिस्तानी है उनकी जो भेजी गई रकम है वो। एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरे साथ मेरा एक खास दोस्त है, उसको भी ले आऊं क्या? वो एक्चुअली है तो तेरी एंटी पार्टी का, पर वो अच्छा है, अच्छा है। प्लीज कंटिन्यू। तो क्या कोई मौजजा ऐसा हो कि डॉलर को लगाम दी जा सके? क्या आगे फिर हम देखते हैं कि मजीद ये ऊपर जाता चला जाएगा क्या? हाँ देखता तो मैं कुछ। कहाँ से शुरू करें नाज़रीन? अरे भाई उसने मुझे कहा है, तुझे बुला लिया, तू तो प्रधान हो गया। अब बुलाया है तो बुलाएंगे भी। शांत, क्या देख रहे हैं? मैं बताता हूँ, पहले इन साहिबान को बोलने दो, इनको क्या पता है। मुझे फर्टिलाइजर का पता है कि फर्टिलाइजर भी स्मगल हो रहा है, यूरिया हमारा बाहर जा रहा है, हमारी गंदम स्मगल हो रही है, हमारी चीनी स्मगल हो रही है। और मैं समझता हूँ कि डॉलर्स भी जो है यकीनन वो स्मगल होते होंगे। अच्छा सॉरी, मैं हसन साहब आपकी बात काट रही हूँ, मेरी बात सुने। देखें देखें, अभी जब आप मेरी बात हसन साहब को लहसुन की चटनी मैं खिलाता हूँ। हसन मियां एक बात बताओ, तुम्हारे मुल्क में फर्टिलाइजर सबसे टॉप का, कोई उसे स्मगल कर लेता है? खोदते तक को नहीं छोड़ते, लोग उसे स्मगल कर लेते हैं, मानते वो काम आते हैं चाइना के। लेकिन यार हद कर दी, अब तुम्हारे डॉलर को स्मगल करके सस्ते में बेचेगा बाहर। है कितने की तुम्हारे पास, कैसे कैसे लोग बुला लेती है स्टूडियो? मैं आपको सच बताऊं? बिल्कुल बताना। जितना मर्जी एहतजाज कर लें, एहतजाज करने से बिल कम नहीं होगा। सही बात। बिल सर जोड़कर बैठने से कम होगा। सर जोड़कर बैठने से कैसे बिल कम हो जाएगा? मेरी बात सुने, देखें देखें, ये भी बड़ी अजीब सी चीज है। स्टॉक एक्सचेंज का गीत गाने वाले लोग, बांसुरी बजाने वाले लोग अब कहाँ गए? अच्छा पिटू, तेरी दिक्कत पता क्या है, तू कहानियाँ बहुत करता है यार, पहेलियाँ बहुत बुझा। जो कहते थे स्टॉक एक्सचेंज इतने पॉइंट बढ़ गया, इतने पॉइंट बढ़ गया, माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही तो नहीं चला गया कहीं? मतलब पाकिस्तानी रुपया अल्लाह को प्यारा हो गया, मतलब रिकॉर्ड की तमाम हदें पार करता हुआ। पेट्रोल की कीमतों के बारे में लोगों कब कभी चढ़ी हुई है, यकीन करें बहुत सारे लोग तो आज नींद की गोली खाकर सो गए, कह रहे कल हमें जल्दी जाग ना आए। दो गोली से क्या होगा, कल नहीं तो परसों जाग जाएंगे, परसों के अगले दिन जाग जाएंगे, बिल तो फिर भी बड़ा होगा टेबल पे। बोतल पूरी बोतल। साहब मैं एक वाजे कर दूं आपको बात। कर दे जब इतना किया तो वो भी कर दे। मुशर्रफ साहब का तो इंतकाल हो गया, लेकिन आपको याद होगा आखिरी तकरीर में उन्होंने कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। ये बात परवेज मुशर्रफ ने एकदम सही कही थी। अब जो मरता बंदा होता है ना, वो एकदम सच बोलता है। और तुम लोग सॉरी मतलब कि तुम्हारी सरकार, इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये भी जब इसी स्टेज पर होंगे ना, यही कहेंगे तुम एक्सपायरी डेट मेडिसिन हो, तुम्हारा असर खत्म हो गया है, इसी वजह से पूरी दुनिया तुम्हें डिस्पोज किए जा रही है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे ना भाई, ठीक रहोगे। अभी अपनी तनख्वाह कह रहा है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। सर अब उसकी जान लेनी है तो बता दो, इसको कह देते हैं गला घोट आएगी।
कर देगी ना हमारा इतना काम। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास भैया, गजब थी वीडियो, मस्त। तो इंटरव्यू एडिट किया हुआ था, इंटरव्यू बहुत गजब एडिट किया हुआ था। और वहाँ पर देखो, वो कोई बिल बढ़वाना चाहता है, कोई चाहता है बिजली फ्री मिल जाए। भैया देखो, कुछ होना हो नॉर्मल, जो वहाँ पर है ना, जो महंगाई उसके ऊपर कंट्रोल तब आ सकते जब वो थोड़ा सा उस तरीके से पॉलिसीज पे काम करेंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने तो उम्मीद, खैर मैं क्यों उम्मीद लगाऊ, मेरा क्या है, पर नहीं हो सकता। वहाँ मीटर तोड़ रहे लोग भाई साहब, गजब। और फिर वो वाली बात है, वैसे इंडिया से वो वाली बात है कि इंडिया इनको भाता नहीं है, लेकिन फिर तारीफ इंडिया की भी कर देंगे। छोड़, पूरे उसमें वो था, हम जज्बे वाली काम, वो जो बंदा था। एक काम करो, रोटी लो, वो जज्बा लो, उसको गूथो अच्छे से और उससे पेट भर लो। वो भी बढ़िया था भाई। एक ये मैं कहूंगा, वीडियो शेयर कर दें ताकि और लोग भी देखें और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कमेंट में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।